विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकदार सितारा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। मैदान पर विराट का बल्ला बोलता है तो मैदान के बाहर उनकी रौबदार और कामयाब इमेज को भुनाने की होड़ दिखती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां विराट को अपने प्रोडक्ट एंडोर्स करने के लिए कतार में लगी रहती है। ऐसे में पद्मश्री विराट अब सबसे महंगे सेलेब बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कामयाबी की बुलंदी पर विराट, अब कप्तान की कमाई भी विराट। जी हां, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली मैदान और मैदान के बाहर कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। हाल ही में उनकी अगुवाई में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में मात दी तो भारत को आईसीसी की टेस्ट गदा मिली। कल विराट को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। अब खबर है कि विराट की एंडोर्समेंट फीस करीब दुगुनी हो गई है। उन्होंने देश के तमाम सेलेब्स को पीछे छोड़ दिया है। एक दिन के 5 करोड़ रुपए। शादी दोनों फैमिलीज की। जी हाँ, विराट कोहली की एक दिन की फीस अब 5 करोड़ रुपए हो गई है। ये किसी भी सेलिब्रिटी की एक दिन के लिए ली जाने वाली सबसे ज्यादा फीस है। इसके साथ ही 28 साल के विराट दुनिया के सबसे महंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पिछले साल तक कोहली की एक दिन की फीस 2.5 से 3.5 करोड़ रुपए थी। विराट ने अपनी फीस कोला मेकर पेप्सिको के साथ अपने एग्रीमेंट के रिन्यूअल से पहले बढ़ाई है। उम्मीद है कि बढ़ी हुई फीस के साथ कोहली पेप्सिको के साथ अपनी पहली डील करेंगे। पिछले महीने विराट ने जर्मनी के स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा के साथ 8 सालों के लिए 110 करोड़ रुपए की एंडोर्समेंट डील की थी। सूत्रों के मुताबिक विराट की फीस टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के अपने चरम पर होने के दौरान वसूली जाने वाली फीस से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड एक्टर से भी बहुत ज्यादा है। पिछले साल पेप्सिको ने धोनी के साथ अपना 11 साल से चल रहा करार खत्म कर दिया था। विराट कोहली कुल 18 ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, जिनमें ऑडी कार्स, एमआरएफ टायर्स, टिसो वॉचेस, जियोनी फोन्स, बूस्ट मिल्क ड्रिंक, कोलगेट टूथपेस्ट और विक्स लॉजेंजेस जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा विराट कोहली ने चिजल नाम से जिम की चेन, टेक स्टार्टअप स्पोर्ट्स कॉन्वो, फैशन लेबल रॉन में निवेश किया है। इसके अलावा ऑनलाइन क्रिकेट गेम्स कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज में वो पार्टनर भी हैं। अक्टूबर 2016 में कॉर्पोरेट एडवाइजरी फर्म डफ एंड फेल्प्स ने विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $9.2 करोड़ आंकी थी, जिसमें अब करीब 30% का इजाफा हो गया है। विराट ने क्रिकेट के ही नहीं शाहरुख खान, आमिर खान जैसे बॉलीवुड दिग्गजों को भी ब्रांड वैल्यू के मामले में कहीं पीछे छोड़ दिया है। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टार से अब भी वो कहीं पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।